कितना फायदा होता है अगर लीग्स में कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं? नो डाउट, तनवीर भाई की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। करंट प्लेयर अगर आया हो और खासतौर जो मुल्क की टीम का अपना कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो या बैकबोन हो, आप उसके, जब मैं कराची किंग से खेल रहा था तो उसमें उस टाइम क्रिस गेल खेल रहा था, मैं उससे गया, उससे मैंने बात करी, मुझे बताओ, मेरी हेल्प करो, नेट पे उसने मुझे बात की मेरे साथ, तो सीखने को मिलता है। बड़े बड़े जब नाम आते हैं तो आपकी इम्प्रूव होती है क्रिकेट, कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, आप साथ बैठते हो, डगआउट शेयर करते हो, वो करते क्या है, क्या खाते हैं, किस तरह अपना बैग मेंटेन रखते हैं, प्रैक्टिस की क्या ड्रिल्स है, वो किस किस सोच से ग्राउंड में उतरते हैं, तो वो चीज़ आपको, आप ऑटोमेटिक सीखते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नाम आएंगे, अभी भी नाम थे मगर और बड़े, वेंडूसन है, मनरो था, मार्टिन गप्टिल था, डेविड विली था, बहुत सारे नाम थे और ये अच्छी चीज है। मगर वही वाली बात तनवीर भाई ने बोला जो आपको याद हो थोड़ा प्रोग्रामों पहले पहले, कि जब तक पैसे नहीं बढ़ेंगे मुझे नहीं, क्योंकि अब लीग्स बहुत हो रही हैं तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, भले थोड़े ही सही मगर बड़े। लेकिन इंडियंस ने सारी लीग्स खरीद ली ज्यादातर जो हो रही है, और प्लेयर्स से वो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तमाम लीग्स का, तो आप नहीं समझते इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्चुअली वो बाउंड हो जाएंगे, नाम वही है इंडियन टीमों के, देखें आप साउथ अफ्रीका हुई, IL T20, कई हर जगह नाम हुई, तो आप उससे फर्क पड़ेगा फिर? नहीं, फर्क तो पड़ेगा, मगर जो स्मार्ट क्रिकेटर है ना वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ IPL वाली लीग के थ्रू बाउंड हो रहे हैं। आप ये उनको देख लेगा जो बड़े नाम है, बेन स्टोक हो गया, के मिलिनसन हो गया, वार्नर हो गया, और भी जो बड़े, मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क हो गया, इस तरह के जो नाम है जिनका मतलब एक बहुत, वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ IPL के थ्रू अगर हो रहे तो हो रहे। तनवीर क्या राय है आपकी? देखिए हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ पे IPL की, ठीक है, इससे ज्यादा पैसे तो IPL में मिल रहे लोगों को, तो मैं मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चले एक बात कहता हूँ, मैं IPL को मैच ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान सुपर लीग से उसका कोई मैच ही नहीं IPL, वो बहुत हाई चले गए, लेकिन उसके अलावा भी ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि भाई PSL के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं, और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिया है। हाँ। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था भाई, वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता, जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताएं कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब IPL खेलते हैं, और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो IPL में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई, तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें, हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अच्छे पैसे देते, तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं, तो भाई इसके ऊपर फोकस करो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन खुर्रम अब देखें उन्होंने विमेन प्रीमियर लीग शुरू कर दी WPL, अब सुनने में आ रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि साल में 2 मरतबा IPL कराएं, साल में 2 मरतबा, अगर साल में 2 मरतबा कराएंगे, और जिस तरह उन्होंने ICC को कहा था, ICC ने, काफ़ी ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल सीरीज नहीं रखी IPL की वजह से, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो थे वो वहाँ बिजी थे, तो आप नहीं समझते इस तरह के सिनारियों में और डिफ़िकल्ट हो जाएगा PSL के लिए खिलाड़ियों को रोप इन करना? मुझे ऐसा, ये चीज़ सुनने में तो मतलब प्लेयरों के हिसाब से तो सही लगेगी, मगर ये हो नहीं सकती कि साल में 2 नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनकी IPL ऑलमोस्ट 2 महीने की तो IPL होती है, तो साल में मतलब आइए 4 महीने प्लेयर को बाउंड कर लेंगे कहाँ, मतलब हर चीज का है ना, और एक टीम के 24 मैच है, प्लान तो है, देखें प्लान को एग्जीक्यूट भी तो करना है ना, किस तरह करेंगे 4 महीने के लिए, किस तरह बाउंड, या तो वही प्लेयर आएंगे कि हम इंटरनेशनल छोड़ लें भाई, हमें सिर्फ IPL खेलनी। नहीं अब आप देखें ना कि अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई, ICC के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले वहां आए हुए थे,
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खड़े हुए थे, वो विमेन प्रीमियर लीग थी, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, लेकिन हम लोग कन्विंस नहीं कर सके कि हम उनको यहाँ लेकर आते। क्या देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है, बीसीसीआई डोमिनेट करती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ना कोई सोचे। दूसरी बात ये पैसा वैसा सब जनरेट करती है, आईसीसी इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है, वो जरूर गैप निकालेगी कोई ना कोई, अगर ये दो लीग कराना चाहे बायलैटरल सीरीज का सेटअप करेगी, इधर उधर किसी ना किसी को कभी काम कम मैच करवा दिए, कभी क्या करवा दिए। लीग वो सिंगल भी बेसिस पे करा सकते हैं, सिंगल लीग पे, और बाकी डबल लीग पे, जिस तरह डबल लीग हो रही है कुछ कर रहे हैं। अब आप सेकंड लीग की बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहीं सुन रहा था कि टी10 लीग की भी बात हो रही है, आईपीएल टी10 लीग भी इस तरह कुछ करने की सोच रहे, तो मतलब यानी वो डोमिनेट करती है, उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है, तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। कितना चैलेंजिंग होगा पीएसएल के लिए सर्वाइव करना, एचबीएल देखिए हमारे लोग, देखिए 2016 में जब शुरू हुई, मैं खुद था, किसी के वहम गुमान में भी ना थी कि ये इस तरह से इतनी कामयाब होगी। नजम सेठी साहब वहाँ थे, मेरे पास आए, मुझसे उन्होंने बात भी की मीडिया बॉक्स में दुबई के, और एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग यार ये कौन सी लीग हो रही, लेकिन फिर उसके बाद किस तरीके से ये ब्रांड बना, 9 साल हो गए इस लीग को। एक बार भी देखें इस चीज़ का, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि आपने बात की और कोई सोच भी नहीं रहा था, इतना बड़ा ब्रांड बने तो बन गया ना, और हर साल कुछ ना कुछ बेहतरी हो रही है, तो जो कोविड में भी हुआ, कोविड में भी हुआ। और दूसरी बात ये है कि क्रिकेट बोर्ड कुछ ना कुछ तो इसका बी प्लान होगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद करके रख देते, लेकिन 10 साल के बाद टीमें दोबारा बिकेंगी ना, ये भी तो देखें, अगर टीम बढ़ेगी तो अच्छी बात है ना, नहीं बिकेंगी भी ज्यादा दोबारा, ऑब्वियसली बात है, क्रिकेट में इजाफा होगा, आपके एंटरटेनमेंट में इजाफा होगा, मैचेस ज्यादा होंगे, आपका चार्म बढ़ेगा और फॉरेनर्स प्लेयर्स आएंगे, ऐसा थोड़ी है। अब अच्छा ये भी चीज एक, ये हम सोच रहे हैं ना कि अगर उनकी लीग्स की वजह से सब बाउंड हो गया तो कौन आएगा, आने वाले आते, यहाँ मिलर भी आया, नहीं वो सही है, वो सही कह रहे हैं, मिलर भी आया, वेंडरडूसन भी आ रहा है, इस तरह के प्लेयर्स जो है ना, देखो उसकी वजह है, जिस तरह टीमें जब खत्म होगी ना 10 साल के बाद, जब आप दूसरी टीम, वही लोग अगर लेंगे, अगर बेट लगी वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, चले जी मिसाल के तौर सब टीमों के जो प्राइजेस है वो महंगी हो गई, ठीक है, लेकिन बात ये है कि जब उनके प्राइजेस महंगी होंगी तो जब मैचेस होंगे तो जो ये ओनर्स है ये कैसे पैसा कमाएंगे, वो स्पॉन्सर ज्यादा पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं से होगी चीजें कि यार पैसा, अच्छा अगर आप पैसा नहीं बढ़ा सके, आप पैसा बढ़ाने के लिए आपने तो महंगी टीम खरीद ली, लेकिन आपने भी तो कुछ चाहिए, अच्छा उसके लिए पैसा आप बढ़ाएंगे प्लेयरों का, जब आप पैसा ही नहीं कहीं से प्लेयरों का बढ़ा सकेंगे, तो स्पॉन्सर ही नहीं ला सकेंगे, तो फिर प्लेयर कैसे आएगा, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है।